प्रिय विद्यार्थियों, आरसीए की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए, मैं आपकी बात बताऊं, इस टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन वो द्विघात समीकरण पर बेस्ड आता है, द्विघात समीकरण पर निर्भर करेगा वो क्वेश्चन। अगर पूरा आप सोल्व करेंगे द्विघात समीकरण में ऐसा स्टेटमेंट बनेगा, अगर ये टॉपिक नहीं आता फिर बताओ सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखना। अगर ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या करोगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, अब गौर करना, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करेंगे। आपको जो भी लिख रहा है ना, x प्लस टू इसको जीरो के बराबर बोलना, x माइनस चार इसको भी जीरो के बराबर बोल देना। जो भी आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों को जीरो के इक्वल कर दो। जैसे आपने जीरो के इक्वल किया तो यहां पर क्या आया, माइनस टू, और यहां पे क्या आया, फोर। यहां पर माइनस टू और यहां पे क्या आया, फोर। अब उसके बाद देखना, अब आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है, ये बना दिया। उसके बाद यहां पर माइनस इन्फिनिटी लिखना है और यहां पर प्लस इन्फिनिटी लिखना है। अब सुनो, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हमें केवल और केवल क्रांतिक बिंदुओं को लिखना है, क्रांतिक बिंदुओं के अलावा किसी भी बिंदु को नहीं लिखना है। तो देखिए, यहां पर छोटा है तो माइनस टू और यहां पे क्या लगा दिया, फोर। कंप्लीट, यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। जीरो नहीं लिखेंगे और भी एक नंबर नहीं लिखेंगे, केवल किन को लिखेंगे, जो क्रांतिक बिंदु होंगे। क्रांतिक बिंदुओं के लिए बता दूं, आप देखो, आप क्वेश्चन करने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन हम वो मेथड यूज करेंगे जो बिल्कुल इजी हो। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, एक्स से, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, ग्रेटर दैन इक्वल टू है, क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू है, और ग्रेटर दैन इक्वल टू है ये रहा, इस पे ग्रेटर दैन इक्वल टू पे क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट पे क्या आता है, डार्क सर्कल। देखो ध्यान से, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू पे क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट हो तो क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट हो तो क्या आएगा, डार्क सर्किल। ये तो मैं एक काम करता हूं, इसमें टिक में लिख भी लेता हूं मैं, आपको याद भी रहेगा। जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो आपको डार्क सर्किल यूज करना है, और जब आपको लेस देन या ग्रेटर देन हो तो आपको ब्लैंक सर्किल यूज करना है। ये भी मैंने आपको दो ट्रिक्स आज लिखवा दी हैं, इनको भी आप याद रखना, ताकि आपको मतलब इनसे उलझना नहीं पड़े, डायरेक्ट सॉल्व कर पाओ। तो देखो ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा, ये रहा, क्या है, डार्क सर्किल। तो देखो, इस पे भी डार्क सर्किल बना दो, बना दिया, इस पे भी डार्क सर्किल बना दो, कंप्लीट यहां तक का काम। उसके बाद देखो, ऊपर पावर क्या है, वन, और यहां पे पावर क्या है, वन, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। और एक्स से स्टार्ट है, पावर क्या है, वन। अब उसके बाद देखो, इन क्वेश्चंस में कैसे ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कैसे यूज करेंगे, उसको ध्यान से देखना। चार से बड़ा इधर आएगा, इस वाले में चार से बड़ा आएगा, आप अपने मन से बोल दो, चार से बड़ा, पांच ले लो, छह ले लो, सात ले लो, मैंने छह ले लिया, ठीक है। तो छह प्लस दो क्या होगा, आठ, और छह माइनस चार क्या होगा, दो, आठ दुनी सोलह आया कि नहीं आया, और वो किसका आया, पॉजिटिव का आया, तो ये पॉजिटिव लगा दो। मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी शुरुआत है। क्या कहा मैंने, चार से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, और किसमें रखना है, वो इसमें रखना है। अब चार से बड़ा आपका मन दस का कर रहा है, दस ले लो, दस प्लस दो, और यहां पे दस माइनस चार यानी बारह गुणा में छह क्या आया, बेहतर, किसका आया, पॉजिटिव आया, तो आपने पॉजिटिव लगा दिया। वही बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो बता रहा हूं।
और माइनस टू से फोर के बीच में सबसे आसान क्या है, जीरो। तो आप देखो जीरो प्लस टू क्या होगा टू, और जीरो माइनस फोर क्या होगा, देखो जीरो प्लस टू क्या होगा टू, और जीरो माइनस फोर क्या होगा माइनस फोर, तो ये क्या आया माइनस आठ, और माइनस आठ क्या है नेगेटिव का है, तो यहां पर नेगेटिव ले लिया। उसके बाद देखो माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू है, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं अपने मन से माइनस पांच ले लेता हूं, आपका मन है माइनस दस का माइनस दस ले लो, तो माइनस दस ले लो। चलो तो देखो एक्स की जगह माइनस दस करो तो माइनस दस प्लस टू, और क्या आएगा माइनस दस माइनस चार, तो बोलो यहां से क्या आया माइनस आठ गुना माइनस का फोर्टीन। अब माइनस से माइनस कट गया नहीं कट गया, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का आएगा, तो ये लो पॉजिटिव का। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लस माइनस कैसे लेते हैं चार से। ये देखो ये एक तरीके से जो संख्या रेखा है ना वो तीन भागों में विभाजित है, एक तो चार से बड़ा, एक माइनस दो से चार के बीच में, और एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस दो तक, यानी कि माइनस दो से छोटा। अब इनमें आपका मन करे ना वो पॉइंट ले लो और सीधा किस पे रखो, जो आपको ये इधर एक्सप्रेशन दिया उसमें रखो। अगर ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव नजर आता है तो पॉजिटिव लगा दो, अगर ये नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगा दो। आप एलिमेंट कोई भी ले सकते हो, कोई सा भी अवयव ले सकते हो। अब देखो ध्यान से ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा साइन यूज करते हैं, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में पॉजिटिव साइन, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा ये और ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू उसमें क्या होगा पॉजिटिव साइन, देखो ना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव वाले हमारे उत्तर है। तो देखो एक्स बिलोंग्स टू, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधित है, क्या है संबंध रखता है, जैसे आप अपने गांव से संबंध रखते हो अपने घर से संबंध रखते हो, उसी प्रकार ये एक्स है वो इन संख्याओं से संबंध रखता है। तो उसके बाद देखिए कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू, और क्या आएगा चार से लेके इन्फिनिटिव। अब देखिए इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव इन पर क्या आएंगे छोटे ब्रैकेट, कैसे पता ये रहा एक बार बता दूं, इन्फिनिटिव मतलब छोटा ब्रैकेट, इन्फिनिटिव मतलब छोटा ब्रैकेट, ये इधर इतना पूरा नहीं बनाना केवल इतना, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटिव है उसमें भी छोटा ब्रैकेट। और देखो डार्क सर्किल आया नहीं आया, डार्क सर्किल पे कौन सा करते हैं बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया इस पे, ये चार पे क्या है डार्क सर्किल, तो क्या है डार्क सर्किल पे बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। और सुनो जैसे आप दो और तीन को जोड़ते हैं तो पांच आता है, बीच में प्लस लगाते हो, ऐसे ही अगर आपको इस प्रकार से दो एक तरीके से आप क्या बोलोगे क्रमित युग्म लिखे हुए हो उस टाइम आप क्या करोगे ये यूनियन। इस प्रकार से अगर आपको समुच्चय नजर आता है तो आप यूनियन लगाओगे, यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ, संघ, तो यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को समझा है।